आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से मक्के की रोटी। पिछले वीडियो में मैंने सरसों का साग बनाया था, तो इस बार मक्के की रोटी बनाना बनता है, तो उसके लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें आधा कप मैंने मक्की का आटा डाला है, 1/4 कप मैं गेहूं का आटा डाल रही हूँ इसमें। उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब मैंने गुनगुना पानी लिया है और इसमें थोड़ा सा डालेंगे और हाथों के हेल्प से इसको कंबाइन करेंगे। तो हमें सॉफ्ट सा डो बनाना है, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट डो बनाएं। तो मैं इसे 2 मिनट और थोड़ा सा नीट कर लेती हूँ। तो हमारा जो डो है वो तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं रोटी बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ डो लिया हुआ है, सूखा मक्की का आटा लिया है और एक प्लेट लिया है। तो सबसे पहले हम एक डो बॉल लेंगे इस तरीके से और हाथों के हेल्प से इसको रोल करेंगे और सूखे आटे में हम इसको डस्ट करेंगे और उसके बाद इसकी रोटी बना लेंगे रोल करके। तुम्हारी पहली रोटी हो गई है, तो इसको हम साइड रख देते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी रोटी भी बनाएंगे। तो अब चलते हैं इन रोटियों को सेकने के लिए। तो सबसे पहले गैस ऑन करिए और एक तवा गरम करिए और उसमें मैंने ऐसे रोटी रख दी है। तो एक साइड जब सिक जाएगा तब हम इसको पलट देंगे और पलट करके इसके ऊपर हम घी लगा देंगे और घी लगाने के बाद इसको दोबारा से हम फ्लिप करके दूसरी साइड भी घी लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमें फ्लिप कर करके रोटी को सेकना है दोनों साइड से, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो रोटी हमारी हो गई है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं प्लेट में। सेम प्रोसेस से हम दूसरी रोटी को भी सेकेंगे। तो इसको फ्लिप करें और इसके ऊपर घी लगाएं और दोबारा से फ्लिप करके दूसरी साइड भी घी लगाएं और दोनों साइड से इसको पकाएं। तो हमारी रोटियां हो गई हैं। तो चलते हैं इसको सर्व करने के लिए। तो मैंने सरसों के साग के साथ इसको सर्व किया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। तो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल हैप्पी कुकिंग।